में आप सभी का स्वागत है। मैं दिव्या शुक्ला, आइए बढ़ते हैं खास खबर की ओर। बड़ी खबर सामने आई जहां अज्ञात वाहन ने युवक को मारी जोरदार टक्कर, हुई मृत्यु। जानकारी के अनुसार झांसी खजुराहो हाईवे पर मऊरानीपुर की ओर जाने वाले अंडर ब्रिज के पास ग्रामोदय कॉलेज के सामने सर्विस रोड पर किसी अज्ञात वाहन की टक्कर से एक युवक की मृत्यु हो गई। तो वहीं मामले की जानकारी कोतवाली पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची कोतवाली पुलिस के द्वारा मृतक की शिनाख्त का प्रयास किया गया। मृतक की पहचान प्रमोद यादव पुत्र हरिकिशन निवासी ग्राम कचनेव के रूप में हुई है। फिलहाल पुलिस ने सबको कब्जे में लेकर विधिक कार्यवाही शुरू कर दी है, साथ ही मामले की जाँच पड़ताल में भी जुट गई है। संवाददाता मनीष नायक के साथ मुकेश राजपूत की रिपोर्ट। क्या नाम आपका? नरेंद्र कुमार खरे और बल्लन खरे। अच्छा, कहाँ के निवासी हैं? हम कचनेव के निवासी हैं। कचनेव के। अच्छा, जिनका एक्सीडेंट हुआ है, कौन है आपके? ये हमारे गांव का लड़का है। अच्छा, गांव का लड़का। क्या नाम है इनका? इसका प्रमोद यादव उर्फ पटेल। पटेल कहते हैं। पिताजी का नाम हरिकिशन यादव। अच्छा, करते क्या है? ये कंडक्टर ही कहता था बसों पर। बसों पर। अच्छा, कहाँ पे हुआ है इनका एक्सीडेंट? एक्सीडेंट ग्यामुदा ग्यामुदा स्कूल के पास में जो ओवर ब्रिज है वहाँ पे हुआ है, सर्विस रोड पे। सर्विस रोड पे। पता कैसे चला आपको? हमें इंस्पेक्टर साहब ने कॉल किया हमारे फ़ोन से, पटेल के फोन से, तो मैंने समझा पटेल का। फिर बाद में पता चला कि इंस्पेक्टर साहब बोल रहे मऊरानीपुर कोतवाली से, आप यहाँ आ जाओ, एक्सीडेंट हो गया उसका। तब उनकी सूचना पर हम यहाँ आ गए हैं, ग्यामुदा स्कूल के पास जो पुल है यहाँ के पास आ गए। हमने शनाख्त की, हमारे गांव का लड़का ही है। अच्छा,